तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे आपके एनसीईआरटी बुक्स के बारे में, जिसमें हम लोग कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक की सभी बुक्स से कंप्लीट कर चुके हैं। और कक्षा 10वीं की लास्ट बुक है आपकी विज्ञान, इसमें आपके 9 चैप्टर हम लोग देख चुके हैं। लास्ट 9वां चैप्टर था आपका अनुवांशिकता एवं जैव विकास के बारे में, ठीक है। तो इससे पहले जितनी भी आपकी क्लासें ली गई है वो एनसीईआरटी पूर्ण कवरेज के नाम से जो आपकी सूची बनाई हुई है उसी में डली हुई है, ठीक है। तो चलिए 10वां अध्याय देख लेते हैं। इससे पहले एक सामान्य जानकारी आपको दे देता हूँ कि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि आपके लिए एक तरह से एनसीईआरटी का कितना महत्व है। तो समय रहते हुए इन्हें पढ़ ले, तो मैं तो कहता हूँ कि इनके लिए आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। आपके दिमाग में इतना ही क्वेश्चंस रहते हैं कि वो कौन सी एनसीईआरटी पढ़ी जाए और कहाँ कहाँ मिलेगी, तो वो सभी आपको टेलीग्राम पर डाल दी गई है। वहां से डाउनलोड करके आप लोग अपने आप से पढ़ते रहें, 1 से 2 बार कम से कम पढ़ लें, ठीक है। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, ये घटनाएं आप लोग अक्सर सुनते रहते हैं, ओके, और काफी महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। हम इस संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, ये तथापि किसी अंधेरे कमरे में हम कुछ भी देखने में असमर्थ हैं। कमरे को प्रकाशित करने पर चीजें दिखलाई देने लगती हैं। वह क्या है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है? दिन के समय सूर्य का प्रकाश वस्तुओं वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है, या परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं क्योंकि प्रकाश इसमें से पार हो जाता है। प्रकाश से संबंध अनेक सामान्य तथा अद्भुत परिघटनाएं, जैसे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना आदि, प्रकाश के गुणों का अध्ययन इनके अन्वेषण में हमारी सहायता करेगा। एक घटनाएं आपके दिमाग में भी आती रहती हैं कि आप देखते हैं अंधेरे में, आप किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं, ऐसा क्या हो जाता है कि उजाला होता है और आप देखने लगते हैं उस वस्तु को, ठीक है। चमगादड़ के बारे में भी आप लोग सुनते हैं कि उसे रात में दिखाई नहीं देता है, माफ करिए, दिन में दिखाई नहीं देता है, रात में दिखाई देता है। तो इन सब की घटनाओं के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अपने चारों ओर कुछ सामान्य विकासिक परिघटनाओं को देखकर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विकास सरल रेखाओं में गमन करना प्रतीत होता है। जो विकास है ये सरल रेखाओं में चलता हुआ प्रतीत होता है। यह तथ्य कि एक छोटा विकास स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है, विकास के एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है, जिसे प्राविकासकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकासकरण या विकास की किरण कह देते हैं आप लोग। यदि विकास के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो विकास सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को विकास का विवर्तन कहते हैं। आप समझ रहे हैं इसका कहने का मतलब क्या है? कि जैसे आप सोचिए एक टॉर्च है आपकी, उसके सामने एक छोटी सी, आप क्या रखिए, कुछ भी रख दीजिए, सिक्का रख दीजिए, लेकिन सामने ऐसा कि पूरा न ढक ले उसके प्रकाश को आप, तो वो क्या करेगा, फैल जाएगा, बगल से उसके फैल के निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि अंदर से तो निकल नहीं सकता है क्योंकि आप जानते हैं कि वो एक तरह से अपारदर्शी है। तो इसे भी आप लोग देखते रहते होंगे। तब वह प्रकाश की जिसकी वो सरल रखी व्यवहार के आधार पर किरणों का उपयोग करते हैं असफल होने लगते हैं, या फिर पेड़ में आपने देखा होगा इस घटना को। विवर्तन जैसी परिघटनाओं की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाता है, जिसका विस्तृत अध्ययन आप उच्च कक्षाओं में करेंगे। पुनः 20वीं शताब्दी के आरंभ में यह स्पष्ट हो गया कि प्रकाश की द्रव्य के साथ अन्योन क्रिया के विवेचन में प्रकाश का तरंग सिद्धांत अपर्याप्त है, तथा प्रकाश प्रवाह कणों के प्रवाह की भांति व्यवहार करता है। विकास की सही प्रकृति के बारे में यह उलझन कुछ वर्षों तक चलती रही, जब तक कि विकास का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत उभर कर सामने नहीं आया, जिसमें विकास को ना तो तरंग माना गया और ना ही कण। इस नए सिद्धांत ने विकास के कण संबंधी गुणों तथा तरंग प्रकृति के भी सामंजस्य स्थापित किया है। किसने? क्वांटम सिद्धांत ने, ठीक है। इस अध्याय में हम विकास के परावर्तन तथा अपवर्तन की परिघटनाओं का विकास के सरलीकृत गमन का उपयोग करके अध्ययन करेंगे।
ये दो घटनाएं आप लोग काफी सुनते रहते हैं। आप कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि ये परावर्तन की घटना है या अपवर्तन की घटना है। ये मूल धारणाएं प्रकृति में घटने वाली कुछ विकासात्मक परिघटनाओं के अध्ययन में हमारी सहायता करेंगी। इस अध्याय में हम गोलीय दर्पण द्वारा विकास के परावर्तन, विकास के अपवर्तन एवं वास्तविक जीवन में उनके अनुप्रयोगों को समझने का प्रयत्न करेंगे। अब बात करते हैं विकास का परावर्तन। सबसे पहले उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, जिससे जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश विकास को परावर्तित कर देता है। सीधा से कहने का मतलब है कि परावर्तित करने का मतलब लौटा देता है। आप विकास के परावर्तन के नियमों से पहले से ही परिचित हैं, आइए इन नियमों को इस याद कर लेते हैं। वैसे आप लोगों ने जब कक्षा 9वीं 10वीं 8वीं 6वीं में पढ़ते होंगे तब भी आप लोगों ने इन घटनाओं को पढ़ा होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण जो होता है ये परावर्तन कोण के बराबर होता है, तथा आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। इन नियमों को भी आप लोग याद रखिए। परावर्तन के नियम गोलीय पृष्ठ सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। आप समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने से परिचित हैं। प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं होती हैं? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। जो समतल दर्पण है इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाएगा वो सदैव आभासी होगा और सीधा होगा। प्रतिबिंब का साइज बिंब वस्तु के साइज के बराबर होता है। प्रतिबिंब का जो साइज होगा वो क्या होगा? वस्तु के साइज के बराबर होगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब यानी कि वस्तु रखी हो। इसके अतिरिक्त बिंब प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। यदि परावर्तक पृष्ठ बक्कित हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, आइए इसे भी देख लेते हैं। लेकिन इसमें आपको कुछ घटनाओं को याद रखना है। किसको? जैसे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? सदैव आभासी और सीधा। इसमें क्या होगा? प्रतिबिंब का साइज क्या होगा? वस्तु जो वस्तु होगी उसके साइज के बराबर। और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वो वस्तु या बिंब रखा होगा। ठीक है, इन्हीं पॉइंटों को आपको पकड़ना है और निकल जाना है। और जो क्रियाकलाप होते हैं इन्हें आप लोग पढ़िए और एक से दो बार पढ़ सकते हैं और निकल सकते हैं। इसमें आपको करने की ये प्रयोगशाला लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बड़ी चमकदार चम्मच लीजिए। इसके वक्त पृष्ठ में अपना चेहरा देखने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप प्रतिबिंब देख पाते हैं? या छोटा है या बड़ा? चम्मच को धीरे धीरे अपने चेहरे से दूर ले जाइए और प्रतिबिंब को देखते रहिए यह कैसे परिवर्तित होता है। चम्मच को उल्टा दीजिए और तथा दूसरे पृष्ठ को से क्रियाकलाप को दोहराइए। आप प्रतिबिंब में कैसा दिखलाई देता है? दोनों पृष्ठों पर प्रतिबिंब के अभिलक्षणों की तुलना कीजिए। देखिए, क्रियाकलाप के बाद जो नीचे टॉपिक दिया होता है एक पैराग्राफ, इसे जरूर पढ़ लिया करिएगा। ऊपर आप क्रियाकलाप करने बैठेंगे तो बहुत समय आपके पास बर्बाद होगा आपका। तो आप अगर 10th में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए जरूरी है, लेकिन आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उस समय मुझे नहीं लगता है कि आपको इस तरह की जरूरत है। लेकिन जो नीचे टॉपिक दिया रहता है एक तरह से आपका, उसे जरूर पढ़ लिया करिएगा। एक तरह से इसका क्रियाकलाप का निष्कर्ष होता है। चमकदार चम्मच का वक्कित पृष्ठ एक वक्कित दर्पण की भांति माना जा सकता है। सबसे अधिक उपयोग में आने वाले सामान्य वक्कित दर्पण का प्रयोग प्यारूप गोलीय दर्पण है। इस प्रकार के दर्पणों के परावर्तक पृष्ठ किसी गोले के पृष्ठ का एक भाग माना जा सकता है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अब हम गोलीय दर्पण के बारे में कुछ विस्तार से अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या फिर बाहर की ओर वक्कित हो सकता है। अंदर की ओर भी हो सकता है और बाहर की ओर भी वक्कित हो सकता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्कित है वह अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। एक तरह से अवतल दर्पण की एक परिभाषा है। ठीक है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्कित होगा उसे आप लोग उत्तल दर्पण कहेंगे। तो उत्तल दर्पण की परिभाषा भी आपको मालूम चल गई है अवतल दर्पण की। इन दर्पणों का आरेखीय निरूपण चित्र 10.1 में किया गया है। इन चित्रों में नोट कीजिए कि दर्पणों का पृष्ठ भाग छायांकित है या नहीं। पहले आप लोग देखते हैं, ये देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है? अवतल दर्पण। ये आपका उत्तल दर्पण।
गोलीय दर्पण का आरेखित निरूपण छायांकित भाग परावर्तित नहीं है। अब हम समझ सकते हैं कि चम्मच का अंदर की ओर बक्कित पृष्ठ लगभग अवतल दर्पण जैसा होता है। इस तरह से आप देखते हैं ना चम्मच, चम्मच के बाहर की ओर उभरा पृष्ठ लगभग उत्तल दर्पण यानी कि इस तरह से होता है। गोलीय दर्पण के बारे में और अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए से पहले आइए हम कुछ शब्दों अथवा पदों को जाने तथा उनका अर्थ समझें। ये शब्द गोलीय दर्पण के बारे में चर्चा करते समय सामान्यतः प्रयोग में आते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव को प्राय पी अक्षर से निरूपित करते हैं। किससे? यानी कि एक तरह से पी अक्षर से इसे दर्शा देते हैं हम लोग। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र कहलाता है और यह अक्षर सी से निरूपित किया जाता है। वक्ता केंद्र को किससे निरूपित करते हैं? अक्षर सी से। कृपया ध्यान दें कि वक्ता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है, यह परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित है। अवतल दर्पण का वक्ता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होता है। तदापि उत्तल दर्पण में यह दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की पीछे स्थित होता है। यह तथ्य आज चित्र 10.2 और 2A और 10.2B में नोट कर सकते हैं। यहां देखिए आप लोग, ये अवतल दर्पण है, दिख रहा होगा आपको AC, ये आपको P ध्रुव दिखाई दे रहा है अनंत पर, यहां आपको दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा होगा, देखिए उत्तल दर्पण में। ठीक, इसी तरह के आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बन जाते हैं और इसीलिए आप लोगों को याद रखना चाहिए इस और पूरा NCERT को पढ़ने का उद्देश्य मेन यही है। इन्हीं शब्दों को आप लोगों को पकड़ना चाहिए। अब जैसे आपने देखा होगा कि अवतल दर्पण का वक्ता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होता है, लेकिन उत्तल दर्पण में ये बदल जाता है, इस दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के पीछे स्थित होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण का वक्ता त्रिज्या कहलाती है। इसे अक्षर R से निरूपित किया जाता है। ध्यान दीजिए कि PC दूरी वक्ता त्रिज्या के बराबर है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्ता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा की कल्पना कीजिए। इस रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। याद कीजिए कि मुख्य अक्ष दर्पण ध्रुव में पर अविलंब है। आइए दर्पण से संबंधित एक महत्वपूर्ण शब्द को एक क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं। क्रियाकलाप 10.2, चेतावनी दी गई है, इसे भी समझ लिया करिएगा। सूर्य की ओर या दर्पण द्वारा परावर्तित सूर्य के प्रकाश की ओर सीधा मत देखिए, यह आपकी आंखों को क्षतिग्रस्त यानी कि हानि पहुंचा सकता है। एक अवतल दर्पण को अपने हाथ में पकड़िए और तथा इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर केंद्रित कीजिए, सूर्य की ओर कीजिए। दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश को दर्पण के पास रखिए, एक कागज की सीट पर डालिए। कागज की सीट को धीरे धीरे आगे पीछे कीजिए जब तक कि आपको कागज की सीट पर प्रकाश का एक चमकदार तीक्ष्ण बिंदु प्राप्त ना हो जाए। दर्पण तथा कागज को कुछ मिनट के लिए उसी स्थिति में पकड़ के रखिए। अब आप क्या देखते हैं? ऐसा क्यों होता है? सर्वप्रथम कागज सुलगना प्रारंभ होता है और धुआं उठना लगता है। आपने देखा होगा ये बचपन में, आप लोग देखते हैं, आप जो बॉक्स लेते थे उसमें आप निकलता था एक लेस, उसे भी आप लोग आग लगाने में इस तरह की प्रयोग करते रहते थे। अतः यह आग भी पकड़ सकता है। यह क्यों जलता है? सूर्य से आने वाले विकास की दर्पण के द्वारा एक तीक्ष्ण चमकदार बिंदु के रूप में अभिकेंद्रित होता है। वास्तव में कागज की सीट पर विकास का यह बिंदु सूर्य का प्रतिबिंब है। सीधा सा कहने का मतलब कि पूरा एक तरह से सूर्य को वो एक बिंदु में बदल देता है। उस तापमान के कारण आप देखते हैं कि आग सुलझने लगती है या आग जलने भी लगती है। यह बिंदु अवतल दर्पण का फोकस है। सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण कागज जलता है। दर्पण की स्थिति से इस प्रतिबिंब की दूरी दर्पण की फोकस दूरी का सन्निकट मान है। ये भी आपसे बन जाएगा, क्वेश्चन बन सकता है या इंटरव्यू में भी पूछ लिया आपसे कि जब आप लोग छोटे थे एक बॉक्स लेते थे आप लोग, उसमें एक दर्पण निकलता था, उसमें किस कारण से आग लगती थी या कौन सा दर्पण होता था, तो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आइए इस प्रेक्षण को एक किरण आरेख से समझने का प्रयत्न करते हैं। चित्र 10.21 को ध्यानपूर्वक देखिए, इसे इसकी बात करो। ठीक है, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें आपतित हो रही हैं।
एक किरण। परावर्तित किरणों का प्रेक्षण कीजिए, वे सभी दर्पण के की मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिल रही है और यह बिंदु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। इस प्रकार चित्र 10.2B को ध्यानपूर्वक देखिए, यहां इसकी बात कर रहा हूं मैं, उत्तल दर्पण की। और उत्तल दर्पण द्वारा मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें किस प्रकार परावर्तित होती हैं? परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। यह बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है यहाँ। और मुख्य फोकस को अक्षर एफ द्वारा निरूपित किया जाता है। दिखाई दे रहा है? ये गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बिंदु की बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। गोलीय दर्पण और के ध्रुव और जो मुख्य फोकस है इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। इसे अक्षर एफ द्वारा आप लोग निरूपित यानी कि दर्शाते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांशतः गोलीय ही होता है। इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। चित्र 10.2 में दूरी MN द्वारा द्वारक को निरूपित करती है। अपने विवेचन में हम केवल उन्हीं गोलीय दर्पणों पर विचार करेंगे जिनका द्वारक इनकी वक्ता त्रिज्या से बहुत छोटा है। क्या गोलीय दर्पण की वक्ता क्या गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या R और फोकस दूरी F के बीच कोई संबंध है? छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी से एक दोगुनी होती है। हम इस संबंध को R = 2F द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। यह दर्शाता है कि किसी गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस उसके ध्रुव तथा वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। अब बात करते हैं गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना। आप समतल दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आप उनके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की प्रकृति, स्थिति और अपेक्षित साइज के बारे में भी जानते हैं। गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं? किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंबों की स्थिति का निर्धारण हम किस प्रकार कर सकते हैं? ये प्रतिबिंब वास्तविक हैं अथवा आभासी? क्या वे आवर्धित हैं या छोटे हैं या फिर समान साइज के हैं? हम एक क्रियाकलाप द्वारा इसका अन्वेषण या जानते हैं, ठीक है? इसके बारे में क्रियाकलाप 10.3। आप अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने की विधि पहले ही सीख चुके हैं। क्रियाकलाप 10.2 में आपने देखा है कि आपको कागज पर मिला प्रकाश का तीक्ष्ण चमकदार बिंदु वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब है। यह अत्यंत छोटा वास्तविक तथा उल्टा है। दर्पण से इस प्रतिबिंब की दूरी माप कर अपने अवतल दर्पण की लगभग फोकस दूरी ज्ञात की थी। एक अवतल दर्पण लीजिए और ऊपर वर्णित विधि में से इसकी सन्निकट फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी का मान नोट कीजिए। आप किसी दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब एक कागज की सीट पर प्राप्त करके भी फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। मेज पर चौक से एक लाइन बनाइए। अवतल दर्पण को एक स्टैंड पर रखिए। स्टैंड को लाइन पर इस प्रकार रखिए कि दर्पण का ध्रुव इस लाइन पर स्थित हो। चौक से पहली भी लाइन के समानांतर हो इसके आगे दो लाइनें इस प्रकार खींचिए कि किन्हीं दो उत्तरोत्तर लाइनों के बीच की दूरी दर्पण की फोकस दूरी के बराबर हो। ये लाइनें अब क्रमशः बिंदु P और F तथा सी की स्थितियों की तदनुरूपी होंगी। याद रखिए कि छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस एफ ध्रुव पी वक्ता केंद्र सी को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। एक चमकीला बिंब जिससे जैसे एक जलती हुई मोमबत्ती सी से बहुत दूरी दूर किसी स्थिति पर रखिए। एक कागज का पर्दा रखिए तथा और इसको दर्पण के सामने आगे पीछे तब तक खिसकाइए जब तक कि आपको इस पर मोमबत्ती की लौ का तीक्ष्ण तथा चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त ना हो जाए। प्रतिबिंब को ध्यानपूर्वक देखिए और इसकी प्रकृति, स्थिति और बिंब के साइज के सापेक्ष इसका सापेक्षिक साइज नोट कीजिए। इस क्रियाकलाप को मोमबत्ती की निम्न स्थितियों के लिए दोहराइए। ए सी से थोड़ी दूर, फिर आपका सी पर, फिर एफ तथा सी के बीच, एफ पर और पी और एफ के बीच। इनमें से एक स्थिति में आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस अवस्था में बिंब की स्थिति को अभी निर्धारित कीजिए। अब इसके आभासी प्रतिबिंब को सीधे दर्पण में देखिए। अपने प्रेक्षणों को नोट कीजिए और श्रेणीबद्ध कीजिए। सीधी सी बात, कितना आपने देखा है क्रियाकलाप को, इससे आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। केवल क्या करना है? बड़े ध्यान से पढ़ना है और निकल जाना है। और क्या करना है उसके बाद?
ये इसको जो नीचे दिया रहता है इसे जरूर आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ लिया करिएगा। आप लोगों को ये प्रयोगशाला में बैठकर या कहीं आपको ये सभी करने नहीं बैठना है, ठीक है? जो बच्चा 10वीं में होगा वो बच्चा करता रहेगा अपने आप। एक तरह से निष्कर्ष होता है ऊपर जो भी क्रियाकलाप होता है उसका। उपयुक्त क्रियाकलाप में आप देखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति तथा साई बिंदु पी एफ सी के सापेक्ष बिंदु की स्थिति पर निर्भर करते हैं। बिंब की कुछ स्थितियों के लिए बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक है, बिंब की कुछ दूसरी स्थितियों के लिए यह आभासी होता है। बिंब की स्थिति के अनुसार ही प्रतिबिंब आवर्धित, छोटा या फिर समान साइज का होता है। इन प्रेक्षणों का संक्षिप्त विवरण आपके निर्देशन के लिए सारणी 10.1 में दिया गया है। ये आपका दिया गया है। किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब, बिंब की स्थिति हो गई, प्रतिबिंब की स्थिति हो गई, ये आपका प्रतिबिंब का साइज हो गया, प्रतिबिंब की प्रकृति हो गई। अनंत पर बात करें, अगर हम लोग अवतल दर्पण की बात कर रहा हूं तो इसमें फोकस एफ पर प्रतिबिंब की स्थिति दिखाई देगी आपको। प्रतिबिंब के साइज की बात करें तो अत्यधिक छोटा होगा और बिंदु साइज कम होगा, या और इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो वास्तविक एवं उल्टा। सी से परे बात करें तो इसमें एफ तथा सी के बीच होगा, छोटा होगा और वास्तविक तथा उल्टा। सी पर बात करें तो सी पर साइज समान होगा और वास्तविक तथा उल्टा होगा। सी तथा एफ के बीच बात करें तो सी से परे विवर्धित बड़ा होगा और वास्तविक तथा उल्टा होगा। एफ पर बात करें तो अनंत पर होगा, अत्यधिक विवर्धित होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। पी तथा एफ के बीच बात करें तो दर्पण के पीछे होगा, विवर्धित यानी कि बड़ा होगा, आभासी तथा सीधा होगा। कैसा होगा? आभासी तथा सीधा होगा। अब बात करते हैं किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण करते हैं। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों के बनने का अध्ययन हम किरण आरेख खींचकर भी कर सकते हैं। गोलीय दर्पण के सामने रखे एक सीमित साइज के वास्तविक बिंब या वस्तु पर विचार कीजिए। इस बिंब का प्रत्येक छोटा भाग एक बिंदु बिंब की भांति कार्य करता है। इन बिंदुओं में प्रत्येक से अनंत किरणें उत्पन्न होती हैं। बिंब के प्रतिबिंब का स्थान निर्धारण करने के लिए किरण आरेख बनाते समय किसी बिंदु से निकलने वाली किरणों की विशाल संख्या में से सुविधा अनुसार कुछ को चुना जा सकता है। तथापि किरण आरेख की स्पष्टता के लिए दो किरणों पर विचार करना अत्यधिक सुविधाजनक है। एक किरण ऐसी हो कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात उनकी दिशाओं को जानना आसान हो। कम से कम दो परावर्तित किरणों के प्रति छेदन से किसी बिंदु बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति साइज स्थिति ज्ञात की जा सकती है। प्रतिबिंब के स्थान निर्धारण के लिए निम्न में से किन्हीं दो किरणों पर विचार किया जा सकता है। मुझे खुद समझ में नहीं आता है कि इसमें बुक्स में इन बुक्स में क्या बताऊं आप लोगों को, कौन सा शब्द ऐसा है जो आपको समझ में ना आता हो। आप मुझे लगता है कि सिविल सर्विस या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग तभी करते हैं जब आपकी स्थिति अच्छी होती है। अगर आप समझिए कि आपको 10th 12th तक की अगर एनसीईआरटी पढ़ना नहीं आ रही है तो शायद आपकी स्थिति भयंकर खराब है। तो इसमें वैसे मैंने बोला है कि करवा दूंगा सभी, तो मैं तो करवा देता हूं, लेकिन आप लोग अपने आप से भी पढ़ सकते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर विकास किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होगी। यह चित्र 10.3A और बी में दर्शाया गया है। यहां इसकी बात कर रहा हूं। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर से निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। इसे चित्र 10.4A और चित्र 10.4B में दर्शाया गया है। इसमें ए और ये बी हो गया। अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल उत्तल दर्पण के वक्ता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। इसे चित्र 10.5A और 10.5B में दर्शाया गया है। यहां आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रकाश की किरण उसी पथ से इसलिए वापस आती है क्योंकि आपतित किरणें दर्पण के बाहर परावर्तित पृष्ठ पर अभिलंब की के अनुदिश पड़ती हैं। अवतल दर्पण चित्र 10.6A और उत्तल दर्पण चित्र 10.6B के बिंदु P यानी कि दर्पण का ध्रुव की ओर मुख अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण
दिशा में ही परावर्तित होती है। यहां देख लीजिए आप लोग, ये अवतल ये उत्तल में। आपतित तथा परावर्ती किरणें आपतित बिंदु बिंदु पी पर मुख्य अक्ष के समान कोण बनाते हुए परावर्तन के नियमों का पालन करती हैं। याद रखिए कि उपयुक्त सभी स्थितियों में परावर्तन के नियमों का पालन होता है। आपतित बिंदु पर आपतित किरण इस प्रकार परावर्तित होती है कि परावर्तन कोण का मान सदैव आपतन कोण की बराबर होता है। जो आपने नियम पढ़ा था ना ऊपर, वही है। अब बात करते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना चित्र 10.7 को, और ए से एफ के, एफ में बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना किरण आरेख द्वारा दर्शाया गया है। इसे देख लीजिए, फिर हम लोग क्रियाकलाप देखते हैं। ये आपको अनंत पर, ये आपको दिखाई दे रहा है बी, इसे भी अच्छे से देख लीजिए। सी, ये आपका डी है, ये आपका ई और ए। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब पर बनना दर्शाने के लिए किरण आरेख। क्रियाकलाप 14 दशमलव, माफ करिए 10.4। सारणी 10.1 में दर्शाई गई कि बिंब की प्रत्येक स्थिति के लिए स्वच्छ किरण आरेख खींचिए। प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करने के लिए आप पूर्व अनुच्छेद विभाजित कोई दो किरणें ले सकते हैं। अपने चित्र की तुलना चित्र 10.7 में दिए गए चित्रों से कीजिए। प्रत्येक दशा में बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और अपेक्षित साइज का वर्णन कीजिए। अपने परिणामों को सुविधाजनक प्रारूप में सारणीबद्ध कीजिए। इसी तरह आपने देख लिया है। सबसे जरूरी, अगर आपसे कहा जाए कि जो महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, आप लोगों को एक तरह से पढ़ने का उद्देश्य क्या रहता है, तो यही है। एक तरह से आपको इनके बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे ऊपर हम लोगों ने देख लिए, लेकिन क्वेश्चंस आपके बनते हैं, आपने खुद देखा होगा। इसीलिए आप लोगों से बोलता भी हूँ कि कम से कम 5 से 6 साल के क्वेश्चंस पेपर अपने पास रख लीजिए, लेके फिर चाहे आपके मेंस के हों या ऑप्शनल की किसी सब्जेक्ट के हों या प्रीलिम्स के हों या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम आपको पैटर्न का मालूम चल जाता है कि पिछले साल कितने क्वेश्चंस पूछे गए, किस प्रकृति के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपसे पूछ लेता है कि अवतल दर्पणों के उपयोग के बारे में। अवतल दर्पणों का उपयोग की बात करें तो टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों के अग्निदीपों में प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन्हें फिर चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पणों के रूप में उपयोग होता है। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चंस किस तरह से बनेगा, यही पूछ लेगा कि सेविंग दर्पणों में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है अवतल दर्पण का। या पूछ लेगा आपसे कि अवतल दर्पण का उपयोग किन स्थितियों में किया जाता है, नीचे 4-5 ऑप्शन दे देगा, फिर आपको आपको देखना होगा कथन दिए होंगे उनमें से आपको सही चुनना होगा। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में अध्ययन किया है ऊपर, अब हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में अध्ययन करेंगे। क्रियाकलाप 10.5, कोई उत्तल दर्पण लीजिए, इसे एक हाथ में पकड़िए, दूसरे हाथ में एक सीधी खड़ी पेंसिल पकड़िए। दर्पण में पेंसिल का प्रतिबिंब देखिए और प्रतिबिंब सीधा या उल्टा, क्या यह छोटा है अथवा विवर्तित यानी कि बड़ा है। पेंसिल को धीरे धीरे दर्पण से दूर ले जाइए, क्या प्रतिबिंब छोटा होता जाता है या फिर बड़ा होता जाता है। क्रियाकलाप को सावधानी पूर्वक दोहराइए, बताइए कि जब बिंब को दर्पण से दूर ले जाते हैं तो प्रतिबिंब फोकस के निकट आता है अथवा उससे और दूर जाता है। उत्तल दर्पण द्वारा इस क्रियाकलाप को पढ़ने के बाद जो नीचे दिया रहता है पॉइंट, इन्हीं को आप लोग अच्छे से पढ़ लिया करेगा, इसी में पूरा एक तरह से निष्कर्ष छुपा रहता है। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का अध्ययन करने के लिए हम बिंब यानी कि वस्तु की 2 स्थितियों पर विचार करते हैं। पहली स्थिति में बिंब अनंत दूरी पर है, दूसरी स्थिति में बिंब दर्पण के एक निश्चित दूरी पर है। बिंब की इन 2 स्थितियों के लिए उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों के किरण आरेखों को क्रमशः चित्र 10.82 और 10.8B में दर्शाया गया है। परिणामों का संक्षिप्त विवरण सारणी 10.2 में किया गया है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, यह आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हो गया आपका बी, ये अनंत पर, ये आपको दिखाई दे रहा है। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और अपेक्षित साइज। पहले हम लोगों ने अवतल दर्पण के बारे में जानना था, देखा होगा आपने।
अगर बिंब की स्थिति की बात करें और ये प्रतिबिंब की स्थिति हो गई, ये आपका प्रतिबिंब का साइज हो गया, प्रतिबिंब की प्रकृति हो गई। अनंत पर फोकस एफ पर दर्पण के पीछे अत्यधिक छोटा बिंदु के साइज का और आभासी व सीधा। अनंत तथा दर्पण के बीच के ध्रुव पी के बीच की बात करें, बिंब की स्थिति है तो पी तथा एफ के बीच दर्पण के पीछे इसके प्रतिबिंब की स्थिति रहेगी, छोटा बनेगा और आभासी और सीधा रहेगा। अभी तक आपने समतल दर्पण, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के बारे में अध्ययन किया है। इनमें से कौन सा दर्पण किसी बड़े बिंब का पूरा बिंब बनाएगा, आइए इस क्रियाकलाप को भी हम लोग जानते हैं। क्रियाकलाप 10.6। समतल दर्पण में किसी दूरस्थ बिंब, जैसे कि कोई दूरस्थ पेड़ का प्रतिबिंब देखिए, या आप पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देख पाते हैं। विभिन्न साइज की समतल दर्पण लेकर प्रयोग दोहराइए, तो क्या आप दर्पण में बिंब का संपूर्ण प्रतिबिंब देख पाते हैं। इस क्रियाकलाप को अवतल दर्पण लेकर दोहराइए, क्या यह दर्पण बिंब की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब बना पाता है। अभी एक उत्तल दर्पण को लेकर इस प्रयोग को दोहराइए, क्या आपको सफलता मिली है। अपने प्रेक्षणों की कारण सहित व्याख्या कीजिए। आप एक छोटे उत्तल दर्पण में किसी ऊंचे भवन पेड़ का पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देख सकते हैं। आगरा किले की एक दीवार में ऐसा ही एक दर्पण ताजमहल की ओर लगा हुआ है। यदि आप कभी आगरा किला देखने जाएं तो दीवार में लगे इस दर्पण में ताजमहल के पूरे प्रतिबिंब को देखने का प्रयास करें। मकबरे को स्पष्ट देखने के लिए आपको दीवार से सटी हुई छत पर उचित स्थान पर खड़ा होना होगा। समझ में आया? एक तरह से आप सोचिए कि उत्तल दर्पण में आप किसी कितना भी ऊंचा भवन हो, पेड़ हो, उसकी पूर्ण लंबाई को देख सकते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पणों के उपयोग की भी बात कर लीजिए, क्योंकि इनसे भी आप देखते हैं कि क्वेश्चन आता रहता है। उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है, यानी कि कहने का मतलब है पीछे आने वाले वाहनों के लिए। देखते हैं ना आप लोग, पीछे एक साइड साइड नहीं, साइड वो रहता है, एक तरह से दर्पण लगा रहता है, उसी में आपका उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये ड्राइवर के लिए होता है। ये दर्पण बाहर वाहन के पार्श्व में लगे साइड में लगे होते हैं। इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकते हैं। और उत्तल दर्पण को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, यद्यपि भी वह छोटा होता है। इनकी दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होती है क्योंकि ये बाहर की ओर बकित होते हैं। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाता है। कहने का मतलब है कि कितना भी बड़ा वाहन हो, लेकिन ड्राइवर उसे आराम से देख पाता है उत्तल दर्पण में, इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग वहां किया जाता है। ठीक है, ये भी आपने देखा होगा कि कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि साइड में जो दर्पण लगा रहता है वो कौन सा दर्पण होता है, या पीछे की साइड पीछे के वाहनों को देखने के लिए ड्राइवर कौन सा दर्पण का उपयोग करता है, तो यह है उत्तल दर्पण। ठीक है, ऊपर जो हम लोगों ने टॉपिक देखा है उसी से संबंधित ही आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें भी आप लोग देखते रहिएगा। अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पण द्वारा विकास के परावर्तन पर विचार करते समय हम एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का पालन करेंगे, और जिसे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इस परिपाटी में दर्पण के ध्रुव पी को मूल बिंदु मानते हैं, और चित्र 9.10.9 में ये दर्शाया भी गया है। गोलीय दर्पण के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी, ये दाई ओर की ओर दूरी प्लस में, ये बाई ओर की ओर दूरी में माइनस, यानी कि ऋणात्मक ऊंचाई, ऊंचाई ऊपर की ऊंचाई तो इसमें आप देखेंगे प्लस में और नीचे माइनस में। ठीक है, आपतित विकास की दिशा बिंब बाई ओर है। दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति का एक्स अक्ष लिया जाता है। यह परिपाटी निम्न प्रकार है, बिंब सदैव दर्पण के बाई ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाई ओर से आपतित होता है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। मूल बिंदु के दाई ओर प्लस एक्स अक्ष के अनुदेश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं, और जबकि जो आप देखें मूल बिंदु के बाई ओर माइनस एक्स अक्ष के अनुदेश, यानी कि दूरियां ऋणात्मक मापी जाती हैं, मानी जाती है इस तरफ। ठीक है, इस तरफ। ठीक है, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर
बाह्य अक्ष के अनुदिश मापी जाती हैं, यानी कि दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं, और मुख अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर देखें तो माइनस, इस तरफ की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो माइनस वाई अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। ऊपर वर्णित नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी आपको संदर्भ के लिए चित्र 9:10.9 में दर्शाई गई है। यह चिन्ह परिपाटी दर्पण का सूत्र प्राप्त करने तथा संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए प्रयुक्त की गई है। अब बात करते हैं दर्पण सूत्र और आवर्धन के बारे में। दर्पण सूत्र और आवर्धन, गोलीय दर्पण में उसके इसके ध्रुव से बिंब की दूरी, बिंब दूरी यू स्मॉल यू कहलाती है। क्या कहलाती है? गोलीय दर्पण में इसके ध्रुव से, यानी कि ध्रुव से बिंब की दूरी को क्या कहते हैं? बिंब दूरी। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब दूरी भी कहलाती है। आपको पहले ही ज्ञात है कि ध्रुव से मुख फोकस की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, यानी कि एफ सी से व्यक्त करते हैं। इन तीनों राशियों के बीच एक संबंध है जिसे दर्पण सूत्र द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस सूत्र को निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं, 1/v + 1/u = 1/f। ये आप देखते होंगे बचपन में, आप लोग जब 10th 12th में होंगे उस समय भी काफी आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन कहाँ याद रहता है आपको उस समय का। यह संबंध सभी प्रकार के गोलीय दर्पण के लिए तथा बिंब की सभी स्थितियों के लिए मान्य है। प्रश्नों को हल करते समय जब आप दर्पण सूत्र में यू वी एफ तथा आर के मान प्रतिस्थापित करें तो आपको नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करना चाहिए। आवर्धन, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वाय अपेक्षित विस्तार है, जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्तित है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में हम लोग व्यक्त किया जाता है। यदि यदि एच बिंब की ऊंचाई हो और तथा एच डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई हो तो गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन एम प्राप्त होगा। यहाँ सूत्र भी लिखा हुआ है, एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी कि आवर्धन है एम और बिंब की ऊंचाई। यहाँ इस तरह से आवर्धन एम बिंब दूरी यू और प्रतिबिंब दूरी भी से भी संबंधित है, इसे व्यक्त किया जाता है इस तरह से, ठीक है। ध्यान दीजिए कि बिंब की ऊंचाई धनात्मक ली जाती है क्योंकि बिंब प्राय मुख अक्ष के ऊपर रखा जाता है। आभासी प्रतिबिंबों के लिए बिंब की लंबाई ऊंचाई धनात्मक लेनी चाहिए, तदापि वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए इसे ऋणात्मक लेना चाहिए। आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह से ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, और आवर्धन के मान में धनात्मक चिन्ह से क्या होता है? प्रतिबिंब आभासी है। एक तरह से आप कहिए कि ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है? प्रतिबिंब वास्तविक है और धनात्मक आभासी है प्रतिबिंब। इसे भी देख लीजिए, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में कम ही पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाला वाले उत्तल दर्पण की वक्ता त्रिज्या 3.00 mm है। यदि एक वर्ष इस दर्पण से 0.5.00 mm दूरी पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा साइज ज्ञात करना है आपको। वक्ता त्रिज्या क्या है? आर बराबर +3.00 mm। बिंब की दूरी की बात करें तो यू बराबर -5, माइनस लिया जा रहा है, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी निकालना है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी हमें ज्ञात करनी है। फोकस दूरी की बात करें तो एफ बराबर 2r/2, यहाँ रखेंगे इसे और इस तरह से, क्योंकि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस दर्पण के पीछे, और क्योंकि ये सूत्र आप लोगों ने ऊपर देखा था, यहाँ आप मान रखेंगे इस तरह से, भी का मान भी आपको निकाल लेंगे क्योंकि बाकी मान आपको मिल गए तो इसका भी का भी निकल आएगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1.15 मीटर की दूरी पर है, आवर्धन एम बराबर एच, इस तरह से इसे भी निकाल सकते हैं। प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा साइज में बिंब से छोटा है, यानी कि 0.23 गुना। इसे भी आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। इतने तो आप लोग पढ़े लिखे हैं कि वही कि आपको एक्स वाई जेड है, आपके पास एक्स वाई के मान है तो जेड के आप वैसे भी निकाल सकते हैं ना, इतना तो आप लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं इससे ज्यादा। विकास का आवर्तन की बात करते हैं हम लोग। किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश सरल विकास सरल रेखा में गमन करता प्रतीत होता है। जब विकास एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है तो क्या होता है? क्या यह अब भी सरल रेखा में चलता है या फिर अपनी दिशा बदलता है? हम अपने दिन प्रतिदिन के कुछ अनुभवों को दोहराएंगे। आपने देखा होगा कि पानी से परे भरे किसी टैंक अथवा ताल या फिर पोखर की तली उठी हुई प्रतीत होती है। इसी प्रकार जब कोई मोटा कांच स्लेब यानी कि सिल्ली के किसी
किसी मौद्रिक सामग्री पर रखा जाता है तो कांच के स्लैब के ऊपर से देखने पर अक्षर उठे हुए प्रतीत होते हैं, ऐसा क्या क्यों होता है? ऐसे आप लोगों ने किसी ऑफिस में जाते हैं तब आप लोग देखते हैं इस तरह की स्थिति को, ठीक है? क्या आपने किसी कांच के बर्तन में रखे पानी में किसी पेंसिल को आंशिक रूप से डूबे देखा है? यह वायु तथा पानी के अंतरपृष्ठ पर अर्थात पानी की ऊपरी सतह पर टेढ़ी प्रतीत होती है। आपने देखा होगा कि पानी से भरे किसी कांच के बर्तन में रखे नींबू पार्ट्स से देखने पर अपने वास्तविक साइज से बड़े प्रतीत होते हैं, यानी कि बड़े दिखाई देते हैं। इन अनुभवों की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे? आइए पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल के जुड़े मुड़े होने की घटना पर विचार करें हम लोग। पेंसिल के पानी में डूबे भाग से आपके पास पहुंचने वाला विकास पेंसिल के पानी से बाहर के भाग की तुलना में भिन्न दिशा में से आता हुआ प्रतीत होता है। इसी कारण पेंसिल मुड़ी हुई आपको दिखाई देगी, और इन्हीं कारणों से जब अक्षरों के ऊपर कांच का स्लैब रख कर देखते हैं तो उसे वे ऊपर उठे हुए प्रतीत होते हैं। क्या होते हैं? ऊपर उठे हुए प्रतीत होते हैं। यदि पानी के स्थान पर हम कोई अन्य द्रव जैसे केरोसिन या तारपीन का तेल प्रयोग करें तो क्या तब भी पेंसिल उतनी ही मुड़ी हुई दिखाई देगी? यदि हम कांच के स्लैब को पारदर्शी प्लास्टिक के स्लैब से प्रतिस्थापित कर दें, क्या अब भी अक्षर उसी ऊंचाई तक उठे प्रतीत होते हैं? आप देखेंगे कि अलग अलग माध्यमों के युग्मों के लिए इस अनुभव का विस्तार अलग अलग होगा, यानी कि ऐसा पहले जैसा नहीं होगा। एक प्रेक्षक सूचित करता है कि विकास सभी माध्यमों में से एक ही दिशा में गमन नहीं करता है, यानी कि अलग अलग माध्यमों में से अलग अलग दिशा में गमन करता है। एक तरह से ऐसा प्रतीत होता है कि जब विकास एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस घटना को विस्तार से कुछ क्रियाकलाप करके हम लोग समझते हैं, एक तरह से प्रयोगशाला। क्रियाकलाप 10.7। पानी से भरी एक बाल्टी की तली पर एक सिक्का रखिए। अपनी आंख को पानी के ऊपर किसी पार्ट्स में रखकर सिक्के को एक बार में उठाने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप सिक्का उठाने में सफल हो पाते हैं? इस क्रियाकलाप को दोहराइए। आप इसे एक बार में करने में क्यों सफल नहीं हो पाए? अपने मित्रों से इसे करने के लिए कहिए, उनके साथ अपने अनुभव की तुलना कीजिए। इसे आप लोगों को पढ़ना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप क्रियाकलाप केवल पढ़िए और निकल जाइए, ठीक है? इसमें आपको करते नहीं बैठ जाना है। क्रियाकलाप 10.8 को भी देख लीजिए। किसी मेज पर एक बड़ा उथला कटोरा रखकर उसकी तली में एक सिक्का रखिए। कटोरे से धीरे धीरे दूर हटिए। जब सिक्का ठीक दिखाई देना बंद हो जाए तो रुक जाइए। अपने मित्र से सिक्के को विक्षुब्ध किसी किए बगैर कटोरे में पानी डालने को कहिए। अपनी स्थिति से सिक्के को देखते रहिए। क्या सिक्का उसी स्थिति में से पुनः दिखाई देने लगता है, या कैसे संभव हो पाता है? कटोरे में पानी डालने पर सिक्का फिर से दिखलाई देने लगता है। विकास के अपवर्तन के कारण सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ऊपर जो भी आप लोग क्रियाकलाप पढ़ते हैं उसके नीचे जो लाइनें दी गई होती हैं उन्हें थोड़ा जरूर ध्यान से पढ़ लिया करिएगा। क्रियाकलाप 10.9 की बात करें हम लोग, तो मेज पर रखी एक सफेद कागज की सीट पर एक मोटी सीधी रेखा खींचिए। इस रेखा के ऊपर एक कांच का स्लैब इस प्रकार रखिए कि इसकी एक कोर इस रेखा में कोई से कोई कोण बनाए। स्लैब के नीचे आए रेखा के भाग को पार्श्व साइड से देखिए। आप क्या देखते हैं? क्या कांच के स्लैब के नीचे की रेखा कोरों के पास मुड़ी हुई प्रतीत होती है? अब कांच के स्लैब को इस प्रकार रखिए कि यह रेखा की अभिलंबत हो। आप क्या पार देखते हैं? क्या कांच के स्लैब के नीचे रेखा का भाग मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? रेखा को कांच के स्लैब के ऊपर से देखिए। क्या स्लैब के नीचे रेखा का भाग उठा हुआ प्रतीत होता है? ऐसा क्यों होता है? छोड़िए, कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन की बात करते हैं। कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन की बात करते हैं। आप समझिए कि इसीलिए आप सोचते हैं कि एनसीईआरटी जो छात्र बचपन में ही पढ़ना शुरू कर देते हैं उन्हें बहुत आसानी भी होती है। एक तरह से उन्हें रिवीजन ही करना पड़ता है, एक बार वो पढ़ते हैं और निकल जाते हैं आराम से। लेकिन आप विभिन्न बोर्डों से आते हैं तो आप देखते हैं आपको परेशानी होती है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं आपको पढ़ाई जाती है लेकिन उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। कांच के स्लैब से विकास के अपवर्तन की परिघटना को समझने के लिए आइए क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 10.10 को देखते हैं। एक ड्राइंग बोर्ड पर सफेद कागज की एक सीट ड्राइंग पिनों की सहायता से लगाइए। सीट के ऊपर बीच में कांच का एक आयताकार स्लैब रखिए। पेंसिल से स्लैब की रूपरेखा खींचिए। इस रूपरेखा का नाम ABCD रखिए। चार एक समान ऑल पिन लीजिए। दो पिने मान लीजिए ई तथा एफ ऊर्ध्वाधर। इस प्रकार लगाइए कि पिनों को मिलाने वाली रेखा कोर AB से कोई कोण बनाती हो। पिन ई तथा एफ के प्रतिबिंबों को विपरीत फलक से देखिए। दूसरी दो पिनों माना जी तथा एच को इस प्रकार लगाइए कि ये पिने एवं ई तथा एफ की प्रतिबिंब एक सीधी रेखा में पर स्थित हो। पिनों तथा स्लैब को हटाइए। पिनों ई तथा एफ के
की नोकों की स्थितियों को मिलाइए तथा इस रेखा को ए बी तक बढ़ाइए। मान लीजिए कि ईएफ ए बी से बिंदु ओ पर मिलती है। इसी प्रकार पिनों जी तथा एच की नोकों की स्थितियों को मिलाइए तथा इस रेखा को कोर सी डी तक बढ़ाइए। मान लीजिए कि एच जी सी डी से ओ डैश पर मिलती है। ओ तथा ओ डैश को मिलाइए और ई एफ को भी पी तक बढ़ाइए, जैसा कि चित्र 10.10 में बिंदु की रेखा द्वारा दर्शाया गया है। आपको फिर से बता रहा हूं कि क्रियाकलाप बिल्कुल नहीं करना है इस तरह की प्रैक्टिस। आपको नीचे जो चित्र दिया गया है इसे ही देख लेना और एक तरह से अपने मन में बैठा लेना है। यह आपको दिखाई दे रहा होगा आयताकार कांच के स्लैब से विकास का आवर्तन। एक कांच वायु कांच का स्लैब हो गया है। इस क्रियाकलाप में आप नोट करेंगे कि विकास किरण ने अपने दिशा बिंदु ओ, ए आपका ओ बिंदु, और ओ डैश पर परिवर्तित की है। ओ डैश ए आपका और ओ ए आपका। नोट कीजिए कि दोनों बिंदु ओ तथा ओ डैश दोनों पारदर्शी माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठों पर स्थित हैं। ए बी के बिंदु ओ पर एक अभिलंब एन एन डैश खींचिए इस तरह से, ए बी एन और एन डैश। दूसरा अभिलंब एम डैश सी डी के बिंदु ऊपर खींचिए। यहां की बात कर रहा हूं, देखिए एम वन एम डैश और एम बिंदु ओ पर प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में अर्थात वायु से कांच में प्रवेश कर रही है यहाँ, ठीक है। नोट कीजिए कि प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। ओ डैश पर प्रकाश किरण से कांच से वायु में अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर किया है। प्रकाश किरण अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। दोनों अपवर्तक सतहों ए बी और सी डी का आपतन कोण तथा बर्तन कोण के मानों की तुलना कीजिए। यहाँ की बात करो ए बी और सी डी। चित्र 10.10 में सतह ए बी पर एक किरण ई पी, क्या यह है आपका ई और पी दिखाई दे रहा होगा। ई पी तिरछी आपतित होती है जिसे आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। ओ ओ डैश अपवर्तित किरण तथा ओ एच ओ डैश एच यहाँ की बात कर रहा हूं निर्गत किरण है। आप देख सकते हैं कि निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के समांतर है। ऐसा क्यों होता है? आयताकार कांच के स्लैब के विपरीत फलकों ए बी वायु कांच अंतरापृष्ठ तथा सी डी कांच वायु अंतरापृष्ठ पर विकास किरण के मुड़ने का परिणाम समान तथा विपरीत है। इसी कारण से निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर निकलती है। तदापि विकास किरण में थोड़ा सा पार्श्विक विस्थापन होता है। यदि विकास किरण दो माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर अभी लंबवत आपतित हो तब क्या होगा? स्वयं करके इसका ज्ञात कर सकते हैं। अब आप विकास के अपवर्तन से परिचित हैं। अपवर्तन विकास के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर विकास की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। प्रयोग दर्शाते हैं कि विकास का अपवर्तन निश्चित नियमों के आधार पर होता है। परावर्तन के नियम निम्नलिखित हैं। एक परावर्तन के नियम दिए गए हैं, देख लीजिए। आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होता है। विकास किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के योगों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। यह कोण के लिए सत्य है। यदि आई आपतन कोण हो और आर अपवर्तन कोण हो तब साइन आई साइन आर स्थिरांक बराबर। इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। आई अपवर्तनांक के बारे में कुछ विस्तार से हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। अपवर्तनांक आप पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि जब प्रकाश की किरण तिरछी गमन करती हुई एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करती है तो यह दूसरे माध्यम में अपनी दिशा में परिवर्तित कर लेती है। किन्हीं दिए हुए माध्यमों के योगों के लिए होने वाली दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है, जो समीकरण 10.4 में दाएं पक्ष में प्रकट होने वाला स्थिरांक है। अपवर्तनांक को एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि विभिन्न माध्यमों में विकास के संचरण की अपेक्षित चाल से संबद्ध किया जा सकता है। यह देखा गया है कि विभिन्न माध्यमों में विकास अलग अलग चालों से संचित होता है। निर्वात में विकास 3×10^10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है, जो विकास की किसी भी माध्यम से में हो सकने वाली द्रुततम चाल है। वायु में विकास की चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ी कम होती है। कांच या पानी में यह यथेष्ट रूप से घटती जाती है और दोनों माध्यमों के योगों के लिए अपवर्तनांक का मान दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे दिया भी गया है। चित्र 10.11 में को देखिए, पहले माध्यम वायु और यहां माध्यम कांच है दूसरा।
चित्र 10.11 में दर्शाए अनुसार एक विकास की किरण पर विचार करें जो माध्यम ए से माध्यम दो में विकास कर रहे हैं, प्रवेश कर रही है। मान लीजिए कि विकास की चाल माध्यम एक एक में V1 और माध्यम दो में V2 है। माध्यम टू का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम ए में विकास की चाल तथा माध्यम दो में विकास की चाल के अनुपात द्वारा व्यक्त किया करते हैं। इसे प्रयास संकेत N21 से निरूपित करते हैं। इसे समीकरण के रूप में निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। N21 माध्यम एक में विकास की चाल हो गया, माध्यम दो में विकास की चाल यानी कि V1/V2, ठीक है। इसी तरह से माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक N12 से निरूपित करते हैं। इसे व्यक्त किया जाता है N12 माध्यम दो में विकास की चाल हो गया V2/V1 माध्यम एक में विकास की चाल। यदि माध्यम एक निर्वात या वायु है तो माध्यम दो का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यह केवल N2 से निरूपित किया जाता है। यदि वायु में विकास की चाल सी और माध्यम में विकास की चाल भी है तो माध्यम का अपवर्तनांक NM होगा। NM बराबर वायु के में विकास की चाल माध्यम में विकास की चाल C/V। माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक केवल अपवर्तनांक कहलाता है। सारणी 10.3 में अनेक माध्यमों में के अपवर्तनांक दिए गए हैं। सारणी से आपको ज्ञात होगा कि जल का अपवर्तनांक NW बराबर 1.33 है। इसका अर्थ है कि वायु में विकास का वेग तथा जल में विकास का वेग का अनुपात 1.33 है। इसी प्रकार क्राउन कांच का अपवर्तनांक NG बराबर 1.52 यानी कि 1.52 होता है। ऐसे आंकड़े अनेक स्थानों पर उपयोगी होते हैं और आपको इनको कंठस्थ याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यानी कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप लोग अगर अपने से पढ़े, मैं बार बार कह रहा हूं, तो मुझे लगता है और बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ने पर कम ही भरोसा किया करिएगा और कम ही पढ़ा करिएगा, इससे आपके दिमाग पर और आंखों पर भी असर पड़ता है। इससे अच्छा ऑफलाइन आप लोग किताबें निकलवाइए और पढ़ते रहिए। कुछ इन्हें भी देख सकते हैं, कुछ सामान याद रखना आपको और बाकी छोड़ देना, जो भी जितने भी याद हो जाए। कुछ दिव्यात्मक माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तन, दिव्यात्मक माध्यम हो गया अपवर्तनांक हो गया, दिव्यात्मक माध्यम और अपवर्तनांक। तो ये वायु 1.0003, बर्फ का बात करें तो 1.31, जल का 1.33, एल्कोहल का 1.36, केरोसिन का 1.44, संगठित क्वार्ट्ज का 1.46, तारपीन का तेल 1.47, बेंजीन का 1.50, क्राउन कांच का 1.52, कनाडा वाल्सम का 1.53, खनिज नमक का 1.54, कार्बन डाइसल्फाइड का 1.63, सघन फ्लैंड कांच का 1.65, रोबी मड़िक का 1.71, नीलम 1.77, हीरा का 2.22 है। सारणी 10.3 से नोट कीजिए कि आवश्यक नहीं है कि प्रकाशिक सघन माध्यम का द्रव्यमान घनत्व भी अधिक हो। उदाहरण के लिए केरोसिन, जिसका अपवर्तनांक जल से अधिक है, जल की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है, यद्यपि इसका द्रव्यमान घनत्व जल से कम देखने को मिलेगा। यहाँ भी देख लेते हैं, इसे भी यहाँ क्या दिया गया है। किसी माध्यम की प्रकाश को अपवर्तन करने की क्षमता को इसके प्रकाशिक घनत्व के द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। प्रकाशिक घनत्व एक निश्चित संप्रतार्थ होता है या द्रव्यमान घनत्व के समान नहीं है। इस अध्याय में हम विरल माध्यम तथा सघन माध्यम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। वास्तव में इनका अर्थ क्रमशः प्रकाशिक विरल माध्यम तथा प्रकाशिक सघन माध्यम है। हम कब कह सकते हैं कि कोई माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है? दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है। दूसरा कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक विरल माध्यम है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है, अतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है। किसमें? विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन यानी कि चलने वाली प्रकाश की किरणें धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक भी जाती है। जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर भी हट जाती है। क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें भी आप देख सकते हैं ध्यान से। अब बात करते हैं, दर्पण देख लिए, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन की बात करते हैं। आपने किसी घड़ी साइज को बहुत छोटे पुर्जे को देखने के लिए छोटे आवर्धक लेंस का उपयोग करते देखा होगा। क्या कभी आपके
आपने आवर्तक लेंस के पेस्ट को अपने हाथों से छूकर देखा है? क्या इससे इसका पेस्ट समतल है या वक्रित है? क्या यह बीच से मोटा है या फिर किनारों से? चश्मे में हम लेंसों का ही उपयोग करते हैं, घड़ी साइज के आवर्धक में भी लेंस लगा होता है। लेंस क्या है आखिर? यह प्रकाश किरणों को किस प्रकार मोड़ता है? इस अनुच्छेद में हम इसी विषय में अध्ययन करेंगे, इसी के बारे में। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या फिर दोनों पृष्ठ गोलीय है, ये सीधी एक तरह से आपकी लेंस की परिभाषा है। क्या है? दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या फिर दोनों पृष्ठ गोलीय हो, उसे क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। इसका अर्थ है कि लेंस का कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होता है, यानी कि ये जरूरी भी है। ऐसे लेंसों में दूसरा पृष्ठ समतल भी हो सकता है। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो सकते हैं, ऐसे लेंस को हम लोग द्वि उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वि उत्तल लेंस कहते हैं। इसे केवल उत्तल लेंस भी कहते हैं, यह किनारों की अपेक्षा बीच से मोटा होता है। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को चित्र 10.12 A में दर्शाए अनुसार अभिसरित भी करता है, इस तरह से। ठीक है, इसलिए उत्तल लेंसों को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल लेंसों को आप लोग अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार एक द्वि अवतल लेंस अंदर की ओर वक्रित दो गोलीय पृष्ठों से घिरा होता है और यह बीच की अपेक्षा किनारों से मोटा होता है। ऐसे लेंस प्रकाश की किरण को चित्र 10.12 B में दर्शाए अनुसार अपसरित इस तरह से करते हैं। ऐसे लेंसों को अपसारी लेंस कहते हैं। द्वि अवतल लेंस प्रा अवतल लेंस भी कहलाते हैं। ठीक है, तो एक तरह से उत्तल लेंस और अवतल लेंस में आपको फर्क भी मालूम चल गया है। ये उत्तल लेंस की अपसारी क्रिया ऊपर ए में और बी में अवतल लेंस की अपसारी क्रिया, ये अभिसारी है, ये अपसारी है। ठीक, किसी लेंस में चाहे उत्तल हो या अथवा अवतल हो, दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इन गोलों के केंद्र लेंस की वक्ता केंद्र कहलाते हैं। लेंस का वक्ता केंद्र पर अक्षर सी द्वारा निरूपित किया जाता है। यहाँ आप लोगों ने देखा ना, देखिए। और क्योंकि लेंस के दो वक्ता केंद्र होते हैं, इसलिए अपन इन्हें C1 और C2 द्वारा निरूपित करते हैं, यानी कि दर्शाते हैं। किसी लेंस के दोनों वक्ता केंद्रों से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। लेंस का केंद्रीय बिंदु इसका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे हम लोग O अक्षर से निरूपित यानी कि दर्शाते हैं। लेंस के प्रकाशित केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास इसका द्वारक कहलाता है। इस अध्याय में अपने विवेचन में हम केवल उन्हीं लेंसों तक सीमित रहेंगे जिनका द्वारक इनकी वक्ता त्रिज्या से बहुत छोटा है और दोनों वक्ता केंद्र प्रकाशित केंद्र से समान दूरी पर होते हैं। ऐसे लेंस छोटे द्वारक की पतले लेंस कहलाते हैं। और जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होते हैं तो क्या होता है, इसे समझने के लिए आइए एक क्रियाकलाप को हम लोग पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। क्रियाकलाप 10.11 को देखते हैं। चेतावनी, इस तरह की चेतावनी आप लोग कई जगह देखते हैं लिखी हुई, तो ऐसे ऐसे चेतावनी मतलब आपको वो टोक रहा है, एक तरह से समझा रहा है कि यहाँ खतरा भी हो सकता है, कहीं मोड़ होती है तब भी आप देखते हैं चेतावनी। इस क्रियाकलाप को करते समय अथवा अन्यथा भी सूर्य की ओर सीधे या लेंस से ना देखें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी आंखों की क्षति हो सकती है। आप सोचिए कि आप पूरा उस सूर्य का एक बिंदु पर आ जाएगा और आपकी आंख पर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, इसे आप लोग ध्यान दिया करिएगा। एक उत्तल लेंस को अपने हाथ में पकड़िए, इसे सूर्य की ओर निर्दिष्ट कीजिए। सूर्य के प्रकाश को एक कागज की शीट पर फोकसित कीजिए। सूर्य का एक तीक्ष्ण चमकदार प्रतिबिंब प्राप्त कीजिए। कागज तथा लेंस को कुछ समय के लिए उसी स्थिति में पकड़ कर रखिए। कागज को देखते रहिए, क्या होता है, क्या ऐसा क्यों होता है। क्रियाकलाप 10.2 के अनुभवों को स्मरण कीजिए, जब आपने देखा होगा आग या सुजलने लगा था। ठीक है, कागज सुलगने लगता है और धुआं उत्पन्न होता है, कुछ समय पश्चात आग भी पकड़ सकता है, ऐसा क्यों होता है आखिर। सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणें समांतर होती हैं। लेंस द्वारा एक किरण एक तीक्ष्ण चमकदार बिंदु के रूप में कागज पर अभिकेंद्रित कर दी जाती है। वास्तव में कागज की सीट पर एक चमकदार बिंदु सूर्य का प्रतिबिंब है। एक बिंदु पर सूर्य के प्रकाश का संकेंद्रण ऊष्मा उत्पन्न करता है, इसके लिए कारण कागज जलने लगता है। सीधा सा आप सोचिए कि वहां सूर्य को छोड़िए, आप लोग सीधी बात, आप देखिए कि आपके पास एक पानी है, कहीं आपका नल है, सोचिए फैल के आ रहा है, तो आप देखेंगे उससे कम आपको चोट पहुंचेगी फैल के अगर गिरे, और एक बिंदु के रूप में अगर एक तरह से गिरे तो वो आपके हाथ में या कहीं भी गिरेगा तो
तो आपको ज्यादा दर्द भी होगा। इसी तरह से आप सोचिए कि सूर्य, कहते हैं कि सूर्य क्यों नहीं जल, इतना रोशनी होने के बाद, इतना धूप होने के बाद जलता क्यों नहीं। लेकिन जब आप लेंस का लेते हैं, उपयोग करते हैं, तो पूरे सूर्य का एक तरह से प्रतिबिंब एक बिंदु पर आ जाता है। और आप सोचिए पूरा सूर्य की जो तापमान होगा वो एक केंद्र पर आके करेगा तो क्या होगा, जलना, यानी कि पूरा एक तरह से तापमान एक बिंदु पर आ गया। अभी हजार जगह वो फैला हुआ था, वो एक बिंदु पर आ गया और जलने लगता है, ठीक है, एक तरह से यही है। अब हम एक लेंस का मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणों पर विचार करते हैं। जब आप प्रकाश की ऐसी किरणों को किसी लेंस से गुजारते हैं तो क्या होता है, एक उत्तल लेंस के लिए इसे चित्र 10.12 में तथा अवतल लेंस के लिए चित्र 10.12 B में दर्शाया गया है, ऊपर देख लिया है। चित्र 10.12 A को ध्यानपूर्वक देखिए, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की बहुत सी किरणें आपतित है। क्या है, आपतित है यहाँ। और ये किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु अभिसरित हो जाती हैं। मुख्य अक्ष पर बिंदु लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। आइए हम एक अवतल लेंस का विवरण देखते हैं। चित्र 10.12 B को ध्यानपूर्वक देख ही लिया है। अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समानांतर विकास की अनेक किरणें आपतित हो जाती हैं और ये किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती है। मुख्य अक्ष पर यह बिंदु अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। यदि आप किसी लेंस के विपरीत पृष्ठ से समानांतर किरणों को गुजरने दें तो आपको पहले से विपरीत दिशा में दूसरा मुख्य फोकस प्राप्त होगा। मुख्य फोकस को निरूपित करने के लिए अक्षर एफ का प्रयोग होता है। और याद रखिए किसी लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं, इन्हें F1 और F2 द्वारा निरूपित किया जाता है। किसी लेंस के मुख्य फोकस की प्रकाशिक केंद्र से दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी को अक्षर एफ स्मॉल एफ द्वारा आप लोग दर्शाते हैं। आप किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, क्रियाकलाप 10.11 को याद कीजिए। इस क्रियाकलाप में लेंस की स्थिति तथा सूर्य के प्रतिबिंब की स्थिति के बीच की दूरी लेंस की सन्निकट यानी कि लगभग फोकस दूरी बताता है आपका, ऊपर देख चुके हैं। अब बात करते हैं लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनना। लेंस प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, लेंस प्रकाश के अपवर्तन द्वारा प्रतिबिंब बनाते हैं, उन प्रतिबिंबों की प्रकृति क्या है, आइए पहले उत्तल लेंस के लिए इसका अध्ययन हम लोग करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अवतल लेंस के लिए देखेंगे। क्रियाकलाप 10.12, एक उत्तल लेंस लीजिए और क्रियाकलाप 10.11 में वर्णित विधि द्वारा इसकी सन्निकट फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एक लंबी मेज पर चौक का प्रयोग करके 5 समांतर सीधी रेखाएं इस प्रकार खींचिए कि किन्हीं 2 उत्तरोत्तर रेखाओं के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी के बराबर हो। लेंस को एक लेंस स्टैंड पर लगाइए, इसे मध्य रेखा पर इस प्रकार रखिए कि लेंस का प्रकाशिक केंद्र इस रेखा पर स्थित हो। लेंस के दोनों ओर रेखा 2 रेखाएं क्रमशः लेंस के एफ और 2F के तदनुरूपी होगी। इन्हें उचित अक्षरों द्वारा अंकित कीजिए, जैसे क्रमशः 2F1, F1 और F2 तथा 2F2। एक जलती हुई मोमबत्ती को बाईं ओर 2F1 से काफी दूर रखिए। लेंस के विपरीत दिशा में रखे एक पर्दे पर इसका स्पष्ट और तीक्ष्ण प्रतिबिंब बनाइए। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा अपेक्षित साइज नोट कीजिए। इस क्रियाकलाप में बिंब को 2F1 से थोड़ा दूर F1 और 2F1 के बीच F1 पर तथा F1 और O के बीच रखकर दोहराइए। अपने प्रेक्षण को नोट कीजिए और सारणीबद्ध कीजिए। बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए उत्तल लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और तथा अपेक्षित साइज का संक्षिप्त विवरण सारणी 10.4 में आपको दर्शाया गया है। इसे बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और अपेक्षित साइज आपको दी गई है। इन सब को याद नहीं रख सकते हैं, काफी होते हैं, लेकिन इसलिए ध्यान से पढ़ लिया गया है, कहीं उपयोग के लिए होता है तो आप लोग उपयोग कर सकते हैं। बिंब की स्थिति हो गई, प्रतिबिंब की स्थिति हो गई, प्रतिबिंब का अपेक्षित साइज हो गया और प्रतिबिंब की प्रकृति हो गई। अनंत पर अगर हम लोग बात करें तो फोकस F2 पर अपेक्षित आपको अत्यधिक छोटा देखने को मिलेगा बिंदु आकार का, और इसमें अगर हम लोग प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो वास्तविक तथा उल्टा देखने को मिलेगा। अगर 2F1 से परे बात करें हम लोग और 2, तो इसमें आपको F2 तथा 2F2 के बीच देखने को छोटा और वास्तविक तथा उल्टा। अगर हम लोग 2F1 पर बात करें तो 2F2 पर समान साइज देखने को मिलेगा और वास्तविक तथा उल्टा भी। अगर आपकी बात करें हम लोग F1 तथा 2F1 के बीच, तो इसमें आपको 2F2 से परे देखने को मिलेगा, बड़ा यानी कि विवर्तित देखने को मिलेगा और वास्तविक तथा उल्टा।
फोकस F1 पर अगर बात करें तो अनंत पर देखने को मिलेगा, और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि असीमित रूप से बड़ा तथा अत्यधिक विवर्धित, इसमें आपको वास्तविक तथा उल्टा, अगर फोकस F1 तथा पिकासिक केंद्र O पर के बीच देखने को मिले तो जिस ओर बिंब है लेंस की उसी ओर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इसमें ये बड़ा होगा और आभासी तथा सीधा आपको देखने को मिलेगा। अब हम अवतल लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब की भी बात कर लेते हैं, और इसे भी एक क्रियाकलाप के द्वारा समझ लेते हैं। क्रियाकलाप 10.13 को देखते हैं। एक आपको अवतल लेंस लेना है, इसे एक लेंस स्टैंड पर रख दीजिए, लेंस के एक ओर जलती हुई मोमबत्ती को रख दीजिए, लेंस की दूसरी ओर आप देखेंगे प्रतिबिंब का प्रेक्षण कीजिए, प्रतिबिंब को यदि संभव हो तो पर्दे पर प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए, यदि ऐसा संभव ना हो तो प्रतिबिंब को लेंस में से सीधे ही देख सकते हैं आप लोग। प्रतिबिंब की प्रकृति, अपेक्षित साइज और सन्निकट स्थिति नोट कीजिए, मोमबत्ती को लेंस से दूर ले जाइए, प्रतिबिंब के साइज में परिवर्तन नोट कीजिए, जब मोमबत्ती को लेंस से बहुत दूर रखा जाता है तो प्रतिबिंब के साइज पर क्या प्रभाव आपको देखने को मिलता है, इसे आप लोग इस सारणी में देख सकते हैं 10.5 में। ए बिंब की यानी कि वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और अपेक्षित साइज, इसे मुझे लगता है कि आप लोग पढ़ लें, ज्यादा कुछ इसमें नहीं लगता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, बस सामान्य अगर पूछ सकता है तो यही पूछ सकता है, ठीक है। और प्रयोग करने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत टाइम बर्बाद होगा इसमें आपका। अनंत पर बात करें तो फोकस F1 पर इसका प्रतिबिंब की स्थिति देखने को मिलेगी और अत्यधिक छोटा होगा, बिंदु आकार का आपको दिखाई देगा, आभासी तथा सीधा। अनंत तथा लेंस के पिकासिक केंद्र O के बीच अगर बात करें तो फोकस F तथा पिकासिक बिंदु केंद्र O के बीच देखने को मिलेगा, ये बिल्कुल छोटा होगा, आभासी तथा सीधा आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार इस क्रियाकलाप से आप निष्कर्ष निकालते हैं कि अवतल लेंस सदैव एक आभासी, सीधा, छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, चाहे बिंब कहीं भी स्थित हो, किसी भी स्थिति में देखने को आपको मिले। अब बात कर लेते हैं हम लोग किरण आरेखों के उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब बनना। हम किरण आरेखों के उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब बिंबों के बनने को निरूपित कर सकते हैं। किसी आरेख लेंसों में बने प्रतिबिंबों की प्रकृति, स्थिति और अपेक्षित साइज का अध्ययन करने में भी हमारी सहायता करेगी। लेंसों में किरण आरेख बनाने के लिए गोलीय दर्पण की भांति हम निम्न में से किन्हीं दो किरणों पर विचार कर सकते हैं। बिंब से, एक में आप देखेंगे बिंब से मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस से, और अपवर्तन के पश्चात चित्र 10.13A ये आपको दिखाई दे रहा हूं। मैं दर्शाए अनुसार लेंस की दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरेगी। अवतल लेंस की स्थिति में प्रकाश किरणें 10.13B के में दर्शाए अनुसार लेंस की उसी ओर स्थित मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होती है, चित्र बी में आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरा है मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाशिक किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निर्गत होगी, इसे आप चित्र 10.14A में दर्शाया गया है। और अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निर्गत होती है, इसे आप लोग 10.14B में देख सकते हैं। तीसरी स्थिति की बात करें तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होती है, इसे आप लोग चित्र 10.15A और 10.15B में भी देख सकते हैं, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चित्र 10.16 में उत्तल लेंस द्वारा किसी बिंब की कुछ स्थितियों में प्रतिबिंब बनने को किरण आरेखों द्वारा दर्शाया गया है। चित्र 10.17 में अवतल लेंस द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब बनने की को किरण आरेखों द्वारा दर्शाया गया। ये आपका उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब की स्थिति, साइज का, प्रकृति, एक तरह से देख सकते हैं आपने, ठीक है। ये अवतल आपको दिखाई दे रहा होगा, अवतल लेंस द्वारा बनी प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और साइज। ये अंतर भी आप लोग काफी लिख सकते हैं इनमें, अगर दोनों में अंतर आता है कभी कभार। अब बात कर लेते हैं गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। लेंसों के लिए हम गोलीय दर्पण जैसे ही चिन्ह परिपाटी अपनाएंगे। दूरियों के चिन्हों के निर्धारण के लिए हम यहाँ भी उन्हीं नियमों को अपनाएंगे, केवल यहाँ जहाँ दर्पणों में सभी दूरियां उनके ध्रुवों से मापी जाती हैं, वहां लेंसों में सभी माप उनके प्रकाशिक केंद्र से लिए जाते हैं। परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, और अवतल लेंस में देखेंगे आप लोग तो ये दूरी ऋणात्मक आपको देखने को मिलेगी। आपको यू भी
और स्मॉल एफ, ये सभी स्मॉल में बिम ऊंचाई एच आपको देखने को मिलेगी, और प्रतिबिंब में ऊंचाई एच डैश के मान में उचित चिन्हों का चयन करके सावधानी बरतनी होगी। अगर लेंस सूत्र की बात करें और आवर्धन की बात करें तो इसमें भी आप देख सकते हैं, जिस प्रकार हमने गोलीय दर्पण के लिए सूत्र ज्ञात किया था उसी प्रकार गोलीय लेंसों के लिए भी लेंस सूत्र भी स्थापित कर सकते हैं। और यह सूत्र बिंब दूरी यू और प्रतिबिंब की दूरी भी और फोकस दूरी आपको एफ के बीच संबंध दर्शाता है। एक तरह से इसे आप सूत्र में भी व्यक्त कर सकते हैं, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू बराबर वन अपॉन एफ। उपयुक्त लेंस सूत्र व्यापक है तथा किसी भी गोलीय लेंस के लिए सभी स्थितियों में मान्य है। लेंसों से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए लेंस सूत्र में आंकिक मान प्रतिस्थापित करके समय विभिन्न राशियों के उचित चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से यानी कहने का मतलब है कि भी यू और इनमें एफ में इनमें से दो का अगर मान आपके पास उपलब्ध है तो तीसरे का आप नॉर्मल निकाल सकते हैं। एक शब्द और इसे आप देख लेते हैं, आवर्धन। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसी गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन की भांति प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। आवर्धन को अक्षर एम द्वारा निरूपित किया जाता है। यदि बिंब की ऊंचाई एच हो तथा लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश हो तब लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धक होगा एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश बिंब की ऊंचाई एच, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन बिंब दूरी यू तथा प्रतिबिंब दूरी बी से भी संबंधित है। इस संबंध को भी आप लोग इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, एच डैश अपॉन एच बराबर वी अपॉन यू। इस उदाहरण को भी देख लेते हैं। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बने, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप देखेंगे अवतल लेंस द्वारा सदैव ही आवासीय और सीधा प्रतिबिंब उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब बनता है। इसमें आपको प्रतिबिंब की दूरी देखने को मिलेगी -10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी देखने को मिलेगी एफ बराबर यानी कि -15 सेंटीमीटर। आपको बिंब दूरी यानी कि यू का मान निकालना है, आप आराम से निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। और यहाँ आवर्धन भी आप लोग निकाल सकते हैं। इसी तरह आपका उदाहरण 10.14 भी है, इसे भी आप लोग देखते रहिएगा। ये भी आपका कई बार पूछ लेता है, लेंस की क्षमता भी देख लेते हैं। आप जानते हैं कि इसी लेंस की प्रकाश किरण को अपसरित अथवा अपसरित करने की क्षमता उसकी फोकस दूरी पर निर्भर करती है। और उदाहरण के लिए कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को बड़े कोण से मोड़कर उन्हें प्रकाशित केंद्र के निकट फोकसित कर देता है। इसी प्रकार हम कम फोकस दूरी पर का एक अवतल लेंस अधिक फोकस दूरी के लेंस की अपेक्षा प्रकाश किरणों को अधिक अपसरित करता है। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या फिर अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे अक्षर एफ द्वारा निरूपित करते हैं यानी कि दर्शाते हैं। किसी एफ फोकस दूरी के लेंस की क्षमता की बात करें तो पी बराबर वन अपॉन एफ होगा। ये देखा होगा आपने वन डे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। क्या पूछा जा चुका है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक यानी लेंस की क्षमता किससे नापते हैं मापते हैं आप लोग, तो यह है डायोप्टर, ठीक है। इसे याद रखिए, इसे अक्षर डी द्वारा आप लोग दर्शाते हैं। यदि एफ को मीटर में व्यक्त करें तो क्षमता को डायोप्टर में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी एक मीटर हो, 1D बराबर 1m माइनस m की पावर -1। आप नोट कर सकते हैं कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी देखने को मिलेगी आपको? धनात्मक, और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक। चश्मा बनाने वाले जब संशोधित लेंस निर्धारित करते हैं तो उनकी क्षमता का उल्लेख करते हैं। आपने लोगों ने देखा भी होगा कि कह देते -1.2 है, 1.3 है, इस तरह से सुनते हैं ना, नॉर्मल है आपका यानी कि -2.5 ये नॉर्मल में आता है। मान लीजिए कि निर्धारित लेंस की क्षमता +2.0D है, इसका अर्थ है कि निर्धारित लेंस उत्तल है और उसकी फोकस दूरी +0.50 यानी कि 50 मीटर है। इसी प्रकार -2.5D क्षमता की लेंस की फोकस दूरी -0.40 m होगी और यह लेंस अवतल होगा। ये आपका उत्तल है, ये अवतल होगा। इसे भी देख लेते हैं। अनेक प्रकाशिक यंत्रों में कई लेंस लगे होते हैं, उन्हें प्रतिबिंब को अधिक आवर्धित तथा सुस्पष्ट बनाने के लिए संयोजित किया जाता है।
इस प्रकार संपर्क में रखी लेंसों की कुल क्षमता पी उन लेंसों की पृथक पृथक क्षमताओं का बीजगणितीय योग होती है, जैसे पी बराबर पी वन प्लस पी टू पी थ्री प्लस डॉट डॉट अनंत तक। चश्मा बनाने वालों के लिए लेंसों की फोकस दूरी के स्थान पर क्षमताओं का उपयोग करना काफी सुविधाजनक होता है। आंखें टेस्ट करते समय चश्मा बनाने वाला ज्ञात क्षमता वाली संशोधित लेंसों के अनेक अलग अलग संयोजनों को संपर्क में रखकर चश्मों को टेस्ट करने वाले फ्रेम के अंदर रखता है। चश्मा बनाने वाला आवश्यक लेंस की क्षमता की गणना सरल बीजगणितीय योग के द्वारा कर देता है। उदाहरण के लिए प्लस 2.0D तथा प्लस 0.25D क्षमता वाले दो लेंसों का संयोजन प्लस 2.25D क्षमता के एकल लेंस के तुल्य है। लेंसों की क्षमताओं की योग्यता के इस गुण धर्म का उपयोग एकल लेंस द्वारा बनी प्रतिबिंब में कुछ दोषों को कम करने में किया जा सकता है। कई लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखकर बनाए गए लेंस निकायों का उपयोग सामान्यतः कैमरों के लेंस तथा सूक्ष्मदर्शियों एवं दूरदर्शकों के लेंसों के डिजाइन में किया जाता है। ये आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें भी देख सकते हैं। विज्ञान में सबसे अच्छा ये काम है कि इसमें लास्ट में निष्कर्ष भी दिया जाता है कि इस चैप्टर को पढ़ने का आपका मतलब क्या था, तो आपने इसमें क्या क्या सीख लिया है। विकास सरल रेखा में गमन करता प्रतीत हो रहा है, सबसे पहले यही। दर्पण तथा लेंस वस्तुओं के प्रतिबिंब बनाते हैं। बिंब की स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब वास्तविक तथा आभासी हो सकते हैं। सभी प्रकार के परावर्ती पृष्ठ परावर्तन के नियमों का पालन करते हैं और अपवर्ती पृष्ठ अपवर्तन के नियमों का पालन करते हैं। परावर्ती पृष्ठ आपके परावर्तन के नियमों का पालन करते हैं, लेकिन अपवर्ती पृष्ठ अपवर्तन के नियमों का पालन करते हैं। इसमें गोलीय दर्पण तथा लेंसों के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी अपनाई जाती है। दर्पण सूत्र की बात करें तो 1/b + 1/u = f 1/f। बिंब में दूरी u है, प्रतिबिंब में दूरी आपकी इसमें भी देखने को मिलेगी और गोलीय दर्पण की फोकस दूरी आपको f देखने को मिलेगी। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्ता त्रिज्या की कितनी होती है? आधी। किसी गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में तिरछी गमन करने वाली कोई प्रकाश किरण अभिलंब से परे झुक जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में तिरछी गमन करने वाली प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। निर्वात में प्रकाश 3 × 10⁸ यानी कि 3 × 10⁸ एम प्रति सेकंड की अत्यधिक चाल से गमन करता है और विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न आपको देखने को मिलेगी। अलग अलग माध्यमों में अलग अलग देखने को मिलेगी। किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की निर्वात में चाल और प्रकाश के माध्यम में चाल का अनुपात होता है। किसी आयताकार कांच के स्लैब के प्रकरण में अपवर्तन वायु कांच अंतरापृष्ठ एवं कांच वायु अंतरापृष्ठ दोनों पर होता है। निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के समांतर होती है। लेंस सूत्र की बात करें तो 1/b - 1/u = 1/f। यहाँ बिंब में दूरी u है, प्रतिबिंब में दूरी v है और गोलीय लेंस की फोकस दूरी f देखने को मिलेगी। किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है और इसका लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक आपको डायोप्टर है, ठीक है, डायोप्टर है, ठीक है। इसे भी आप एक क्वेश्चन से दिए गए हैं, भी आप लोग देख सकते हैं। इसकी भी PDF आपकी टेलीग्राम पर डाल दी थी, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और रख लीजिए, वहां से भी आप लोग इन्हें सबको पढ़ते रहिए। क्या करना है? पढ़ते रहना, एक से दो बार वहां से भी आप लोग पढ़ लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा मुझे लगता है। तो ये आपका 10वां चैप्टर था। चलिए 11वें चैप्टर में मिलते हैं हम लोग, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार देखेंगे। बहुत ही मजेदार चैप्टर है आपका।